नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, मैंने जैसे कि आपको बताया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि मैं आपको एक ऐसा स्ट्रीमिंग करूंगा आप लोग के साथ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस बेस्ट प्राइस के आसपास आपको एंट्री करनी है और किस बेस्ट प्राइस के आसपास आप एग्जिट कर सकते हो, और साथ में आपको ट्रेंड भी समझ में आ जाएगा। सारी चीजें मैं आपको आज लेकर आया हूँ यहाँ पर इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी यहाँ पर वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिलता रहे। तो दोस्तों फटाफट से चलते हैं हम उसनी अब हम अपने सिस्टम के ऊपर, जो सिस्टम हमको ये बता रहा है कि किस प्राइस के आसपास हमको बाय करना है, किस प्राइस के आसपास हमको एग्जिट कर देना है। और दोस्तों हमको ये मतलब कैसे पता लगेगा कि हमको अब एग्जिट का टाइम आ गया है, या फिर हमको अब कैसे पता लगेगा कि हमको मतलब एंट्री ले लेनी है, और कौन सा ट्रेंड कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ट्रेंड जो है आपको किस ट्रेंड के अंदर बरकरार रहना है। दोस्तों यहाँ पर उसके लिए हमको यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक सिस्टम जो मैंने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ था उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं मैंने, तो यहाँ पर वो चेंजेस आपको यहाँ पर चेंजेस करने के बाद आपको सिस्टम ये ऐसा दिखेगा। और इसको मैं लाइव करूंगा मंडे ऑनवर्ड्स, मतलब मंडे मॉर्निंग से ही ये लाइव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसको मैं कंटिन्यू रखूंगा जब तक कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती इस सिस्टम के ऊपर, तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर ये सिस्टम काम कैसे करेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ, तो इसलिए बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के कम से कम 15-20 मिनट के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बिना स्किप कीजिए, ठीक है। बिना स्किप करे इसको वीडियो को जरूर देखना है आप सबको, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आपको मंडे को इसको यूज करने में दिक्कत होगी। दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हो, ये पहली कैंडल थी मार्केट की 770 की, जिसने हाई बनाया था, और ये 5 मिनट की कैंडल है, और ये आप चेक कर सकते हैं, ये पूरा इंट्राडे का चार्ट है जो कल मार्केट रहा फ्राइडे को। तो यहाँ पर हुआ क्या मार्केट के अंदर, किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, हम अपने सिस्टम के ऊपर देख लेते हैं, ताकि हम पूरे दिन की यहाँ पे एक तो मूवमेंट समझ लेंगे सिस्टम के हिसाब से, ताकि आपको मंडे को यहाँ पर इस सिस्टम को यूज करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और साथ में हम लॉजिक भी समझेंगे, तो ताकि आपको आप लोग खुद ब खुद यहाँ पर अपना दिमाग लगाकर यूज कर सकते हो इस सिस्टम को, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ चेक कर सकते हो, 9:21 के 21 मिनट से यहाँ पे डाटा आया था, 9:25 9:21 का डाटा आया था पहली बार, ठीक है। तो ये डाटा जो आया है पहली बार आप यहाँ पे खुद चेक कर सकते हो, 9:21 टाइम फ्रेम है। ऊपर आपको दिख ही रहा है यहाँ पे स्पॉट है, एट द मनी का कॉल है, एट द मनी का पुट का प्राइस है, आपको बाय का बाय क्या करना है वो यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है वो यहाँ पे आपको सिग्नल मिल रहा है, ये आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। तो आपको कैसे समझना है, आपको समझ लीजिए पूरा का पूरा, इसको यूज कैसे करना है वो समझ लीजिए। जब मार्केट एक डाउन फ्रेम डाउन ट्रेंड में होती है, ठीक है, जब मार्केट सुबह सुबह एक डाउन ट्रेंड में थी, तब ये कंफर्मेशन वाला कॉलम आपको बता रहा है कि भाई मार्केट वीक है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन वाला मतलब आपको बाय का सिग्नल नहीं देगा, ये आपको बताएगा कि भाई सेल सेल साइड का आपको व्यू रखना है, यानी कि मार्केट वीक है टोटली, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन के अंदर आपको अगर सेल साइड का सिग्नल मिल रहा है तो इट मींस गिरती हुई मार्केट है, और गिरती हुई मार्केट में हम लोग क्या बाय करते हैं ये सबको पता है, नॉर्मल नॉर्मली हमारा सिंपल सा व्यू होता है कि गिरती हुई मार्केट में अगर हम बाय करेंगे तो हम पुट बाय करेंगे, क्लियर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक, तो हम पुट बाय करेंगे गिरती हुई मार्केट में, कंफर्मेशन हमको बता रहा है कि मार्केट गिर रही है और मार्केट वीक है, इसलिए यहाँ पर पुट बाइंग बनता है। और यहाँ पर ये सिग्नल भी मिल रहा है सुबह 9:21 से ही, यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, ठीक है, पुट बाइंग करनी है। अब ये कब तक बाय करनी है, दिक्कत तो ये है ना, अपने सपोज करो यहाँ पर 100 के ऊपर आपने इसको बाय कर लिया, ठीक है,
आपने ये भी देखा कि भाई कंफर्मेशन है, मार्केट वीक है, पुट बाय करनी है। आपने 21 से लेके 9:21 से लेके 9:29 तक 10 मिनट वेट किया इस सिस्टम के ऊपर। 10 मिनट वेट करने के बाद आपको प्राइस मिला बाय करने का, वो मिला 100 का, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। अब सवाल आता है कि हम किस तरीके से पता लगाएं कि अब हमको एग्जिट कर लेनी है। पहली चीज तो आपको देखो यहाँ पे तीन चीजें पकड़नी पड़ेंगी, ठीक है, लाइव मार्केट में इसको यूज करते समय। पहली चीज है कंफर्मेशन, मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो है सेल साइड का। मार्केट को आपको सेल करना है, ठीक है, मतलब वीक है। अब वीक है तो आपको पुट बाय करना है, ये दूसरी चीज, ठीक है। पहली चीज ये देखनी है, दूसरी चीज ये देखनी है। अब कब तक होल्ड करना है, आपको समझ में आ गया कि मेरे को पुट बाय करना है। आपने यहाँ पे बाय भी कर लिया, ठीक है, 96 और 100 के आसपास आपने बाय भी कर लिया। कब तक होल्ड करना है, होल्ड कब तक, एग्जिट कब करेंगे आप, ये सिस्टम आपको बताएगा। कैसे, आप खुद चेक करो, यहां पर लो एंड हाई मैंने लिखा हुआ है, क्लियर। ये टी कॉलम है, यानी कि पुट साइड का जो हाई था वो यहाँ पे 120 रुपये का, 120 रुपये 40 पैसे का बना, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर से, क्लियर, ग्रीन कलर से ये आपको दिखेगा लाइव मार्केट में। जब हाई बन जाएगा तो ये ऑलरेडी ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 120 रुपये के आसपास हाई बना, और जब ये ग्रीन, अब ये तो ग्रीन रहेगा जब तक ये हाई बनता रहेगा, जब ये ग्रीन रहेगा, लेकिन इसके अगला जो डाटा आएगा वो इसका लो रहेगा, तो यहाँ पर ये ग्रीन फिक्स हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कि जिस तरीके से सपोज कीजिए लाइव डाटा चल रहा है, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हुआ है क्योंकि मार्केट वीक है, पुट साइड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो आपका ये हाई पे हाई ग्रीन कलर जो है हाई पे हाई शिफ्ट होता रहेगा ऊपर की तरफ, लेकिन जहां पर ये हाई बना चुका होगा प्रीमियम, वहां पर ये ग्रीन कलर ठहर जाएगा। अब सपोज करो अगर ये लाइव डाटा होता तो 9:29 के ऊपर 100 रुपीज का हाई दिखाता, और यहां पर भी कंफर्मेशन देता आपको 100 रुपीज के हाई का। मार्केट क्योंकि वीक है, बाय सिग्नल मिले जा रहा है, मिले जा रहा है, बाय सिग्नल कंटिन्यू मिल रहा है अपने को, तो अपन अपन लोग होल्ड करेंगे, ठीक है। और यहां पर जब ये डाटा दोबारा रिफ्रेश होगा तो ये आपको बताएगा 110 रुपये का हाई, क्योंकि वो करंट मार्केट में आपको दिखा रहा है कि 110 रुपये का हाई ही है, ठीक है, 110 रुपये का ही हाई है उस वक्त, क्योंकि वो ऑलरेडी 100 को क्रॉस कर चुका है। तो आपको ये ग्रीन सिग्नल जो अभी यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे दिखता रहेगा, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती नीचे गिरती रहेगी, पुट साइड का प्रीमियम हाई जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, और जहां पर वो ठहर जाएगा वहां पर वो ग्रीन सिग्नल आपको लास्ट में छोड़ के जाएगा कि हाँ भाई ये ग्रीन सिग्नल है, 120 रुपये के आसपास आपको एग्जिट कर लेनी चाहिए। क्लियर, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप अब देखो यहां पर 120 के, 9:957 के आसपास यहाँ पे हाई बना है, 958 के आसपास, क्लियर। तो अगर आप इसको 10:05 बाद भी अगर क्रॉस मतलब क्लोज करते हैं हाई के आसपास वेट करके, और आप, मैं तो आपको ये कहता हूं कि आप यहां पर भी क्लोज करते हैं तो 115, 100 यहां पर भी क्लोज करते हैं, तब भी आपको 116 रुपये का एग्जिट करने के लिए प्राइस मिल जाएगा, 116 रुपये का। बाय कितने पे किया था आपने, 100 या 96 पे किया था। इस तरीके से आपको नीचे का ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए, अब अगला लॉजिक समझिए, ये तो हो गया ट्रेड लेने का तरीका। अब यहां पर तो मार्केट वीक ही है, यहां पर तो मार्केट वीक है ये दिखा रहा है, लेकिन यहां पर ये हाई बन गया पुट का, ठीक है, पुट का हाई बन गया ना ये, तो यहां पर हाई बनने के बाद, हाई जहां बन गया उसके आसपास हम एग्जिट कर लेंगे, पहली चीज तो ये अपना ट्रेड। अब जब हाई बन जाएगा, ध्यान समझिएगा, जब हाई बन जाएगा उस वक्त आप एग्जिट कर चुके हो ऑलरेडी, क्लियर,
उस वक्त क्या करना है, पुट साइड का हाई बन चुका है, इसलिए वो आपको फोकस करना है कॉल साइड के लो का, ठीक है, लो कॉल साइड, क्लियर। तो यहां पे आपको दिखेगा जैसे ही इसने हाई बनाया, आपने यहां पे एग्जिट किया 115 116 पे, यहां पर 100 रुपये 100 रुपये 1 रुपये का 101 का कॉल का लो था, कॉल का सीई साइड का। लेकिन अब आपको ट्रेड नहीं लेना, ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि बिना कंफर्मेशन के हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। हमने इस कंफर्मेशन, क्योंकि मार्केट सेल साइड दिखा रही है, तो हमने पुट बाय कर लिया और अपने हाई के आसपास एग्जिट कर लिया। लेकिन अब हमको, क्योंकि ये हाई बना चुका है पुट साइड, तो अब हमको चौकन्ना होना है, सचेत रहना है, हमको सावधान रहना है, इंग्लिश में कहते हैं बीवेयर रहना, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि भाई जब हाई बन चुका है पुट साइड के प्रीमियम का, तो इसका मतलब अब मार्केट शायद अपना लो बना चुकी है, ठीक है। यहां पर मार्केट शायद अपना लो बना चुकी है। अब ये देखो 10 बजे के आसपास हुआ है, तो आप खुद चेक कर लो लो कितने बजे के आसपास बना है। ये बना है जी 10 बजे के आसपास लो मार्केट का, क्लियर। तो आपने ये पूरा ट्रेंड कैप्चर कर लिया इस हिसाब से, और यहां पे आसपास आप अगर यहां पर भी निकालते हो 680 के आसपास, मार्केट 680 पे आती है 10:10 के ऊपर, ये 10:10 है यहां पर, ठीक है, 10:10 के ऊपर, ठीक है, तब भी आप आराम से प्रॉफिट में ही निकलोगे, क्लियर। तो यानी कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का भी टाइम मिल गया, साथ में ये कैंडल बनती ही रहेंगी, ठीक है, ये कैंडल आपको दिखती ही रहेंगी लाइव मार्केट में। तो आप जब ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो जाएंगी ऊपर की तरफ, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, वहां पे आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि शायद यहाँ पर अब मार्केट लो बना चुका है, क्योंकि वो प्रीमियम का जो हाई होगा ना, वो आपको कन्फर्म कर देगा यहाँ पे। आई होप आई एम क्लियर। अब क्या करना है, आपको उल्टा ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर कन्फर्मेशन जो है, कन्फर्मेशन कॉलम ये बता रहा है कि अभी मार्केट वीक ही है, तो यानी कि हो सकता है ये ऊपर जाके वापस नीचे गिर जाए मार्केट, क्योंकि वीक बता रहा है ना सिग्नल। लेकिन हाँ, आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है अपने हाई के आसपास, क्लियर। तो ये तो हो गया पहला ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ट्रेड लेने कैसे हैं, एग्जिट कैसे लेनी है, वो आपको यहाँ पे सबसे सबको सब चीज बताई जा रही है यहाँ पर। और कौन सा ट्रेड लेना है, पुट साइड का लेना है, कॉल साइड का लेना है, वो आप खुद डिसीजन ले सकते हो यहाँ पे, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अब ध्यान से देखना, यहाँ ये वाली जर्नी पूरी हो चुकी है सुबह के मूव की, आगे वाली जर्नी बताते हैं अब आपको, ठीक है। इसलिए हमको डाटा अब ऊपर करना पड़ेगा। ये अपने मार्केट ने हाई बनाया यहाँ पे 120 रुपये का प्रीमियम का, अब यहाँ पे लो भी बन चुका है 101 रुपये का, याद रखिएगा 101 रुपये का लो बन चुका है। तो अब देखो इस हाई के मार्केट ने पुट साइड का हाई ब्रेक ही नहीं किया, चेक करो आप, पुट साइड का 120 रुपये का हाई था, वो 120 रुपया कभी गया ही नहीं उसके बाद। तो यानी कि जो पुट साइड का प्रीमियम बढ़ रहा था, अब वो डिक्रीज होना शुरू हो गया है, ठीक है, डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कॉल साइड का वो जो है प्रीमियम जो है बोर्ड वो बढ़ेगा, कॉल साइड का प्रीमियम बढ़ेगा ना इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पे खुद चेक कर लो आप, 101 रुपये का प्रीमियम है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 110 हुआ, 112 हुआ, 108 हुआ, 110 हुआ, 107 हुआ, ठीक है, और 6-7 रुपये बढ़ा प्रीमियम कॉल साइड का, मार्केट आ गई 13,700, मतलब 40 पॉइंट मार्केट ऊपर आ गई है, ठीक है। फिर भी इजाफा ज्यादा नहीं हुआ कॉल साइड के प्रीमियम के अंदर, आई होप आई एम क्लियर। यानी कि यू कैन आसानी से, मतलब यू कैन इजीली वेट एंड वॉच इन द लाइव मार्केट आल्सो बिफोर टेकिंग द ट्रेड, वेट एंड वॉच कर सकते हो आप आराम आराम से, आपका ट्रेड गाड़ी मिस नहीं हो रही, क्योंकि आपको यहाँ पता लग रहा है कि ये हाई था तो यहाँ पे लो बनाया 101 रुपये का, तो यानी कि आप
यहाँ से यहाँ पर भी 10:45 के ऊपर, यहाँ पर 10:45 के ऊपर भी आपको ये प्रीमियम 107 रुपये के आसपास मिल रहा है। लेकिन अब मैं बाय कैसे करूंगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैं बाय कैसे, जैसे ही हाई बनेगा पुट साइड के प्रीमियम का, पहली बात तो मैं अपना क्लोज कर दूंगा ट्रेड। दूसरी चीज, मेरे को कॉल साइड के प्रीमियम के ऊपर बाइंग सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा। यहां पर कितने में मिला, 110 रुपये के आसपास, ठीक है। क्यों मिला, क्योंकि अब पुट साइड का प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, या तो मैं इसमें एंट्री कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, 110 या 108 के आसपास, ठीक है। साथ में मैं इसका लो भी पकड़ के चलूंगा, 101 रुपये का लो है, लो है मेरा 101 रुपये का। तो ये जो 101 रुपये रहेगा, ये मेरा SL रहेगा, स्टॉप लॉस। मैंने एंट्री कितने पे करी, जब मेरे को यहाँ पे बैंक सिग्नल मिला कॉल साइड के ऊपर, यहाँ पर मैंने एंट्री की 110 रुपये के ऊपर, 9 रुपये का मेरा प्रीमियम स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर, हमारी एंट्री हुई है 110 या 108 रुपये के आसपास, क्लियर। यहां पर अब मार्केट तो वीक है, यहां पर भी है ना, आपने लेकिन एंट्री कर ली, लेकिन आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस, आपको पता है कि 101 रुपये का लो है यहां पर, तो मेरे को 101 रुपये तक का स्टॉप लॉस लगा के रखना है, ठीक है। पहली चीज तो ये स्टॉप लॉस आपको खुद मिल रहा है। दूसरी चीज, जब आपको यहाँ ये बाइंग सिग्नल मिलेगा, मतलब कॉल साइड का प्रीमियम जब इंक्रीज करना शुरू करेगा, ठीक है, यानी कि कॉल साइड का प्रीमियम बाय करने को ये सिस्टम बोलेगा आपको, तो कुछ देर बाद आपको ये ट्रेंड का कंफर्मेशन भी मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए ट्रेंड का कंफर्मेशन क्या होता है ना, थोड़ा लेट मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा लेट मिलता है, इसलिए ये लो और हाई जो है मैंने ऐड किया है आपके लिए, ठीक है। ये लो एंड हाई आपको ये बता देगा कि मार्केट के अंदर आपको एंट्री और एग्जिट कैसे करनी है, ठीक है। तो समझ के चलिए कि आपने यहां बाइंग सिग्नल मिला आपको, क्लियर, तो आपने यहां पे आसपास 110 या 108 के आसपास आपने बाइंग भी किया। पहली चीज तो आपको स्टॉप लॉस पता है आपको अपना 101 रुपये का। दूसरी चीज, अब आपको या तो आप यहां पे एंट्री कर लो, ठीक है, या फिर आपको कंफर्म ट्रेड लेना है, तो आप, क्योंकि आपको कॉल साइड का प्रीमियम इंक्रीज करना करता हुआ दिख रहा है सिस्टम के ऊपर, तो आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, तब आप एंट्री कर लो। यहां पर भी आप देखो, यहां पर भी अगर आप एंट्री करते हो, तो यहां पर आपको कंफर्मेशन तो मिल गया, कम से कम कंफर्मेशन मिल गया ना कि हाँ भाई अब ट्रेंड भी जो है बाइंग सिग्नल दे रहा है, ठीक है। और कॉल साइड का प्रीमियम जो है वो भी आपको, अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर भी बाय करते हो, तब भी आपका 110 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा बाय, यहाँ पर करते हो तब भी आपको 110 रुपये का मिलेगा आपको, ठीक है। तो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो अब आपने 101 रुपये का यहाँ पे SL दिख गया आपको, 101 रुपये का यहाँ पे आपको दिखा SL लो के हिसाब से, क्योंकि आपका लो भी यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। एंट्री मिली है आपको 110 रुपये के आसपास, क्लियर। अब कंफर्मेशन यहां मिल चुकी है आपको ट्रेड की, कि अब ट्रेंड जो है स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है जी। अब ये ट्रेंड स्ट्रांग जब तक रहेगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस वो लो जो है हिट ही नहीं होगा कंफर्मेशन में, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे कंफर्मेशन। अब देखो ये कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन वाला कॉलम देखो, बाय 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 एंड बाय एंड बाय, बाय बाय ही बता रहा है, ठीक है। बीच में थोड़ा सा वाइब्रेशन आती है मार्केट में, स्टॉप लॉस हंटिंग जब होती है तो आपको सेल दिखेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी, आप यहाँ पे भी सेल करते हो, तो आप लॉस में नहीं निकलोगे, चेक कर लो। पहली चीज तो आपको दो, कम से कम तीन, ठीक है, सॉरी
दो का तो वेट करना ही करना है, 2 बार का, 2 सिग्नल कम से कम मिलने चाहिए यहाँ पे, ठीक है? 2 सिग्नल मिलना चाहिए कंफर्मेशन के ऊपर। जैसे यहाँ पे 2 कंफर्मेशन सिग्नल मिल भी गया, ठीक है, एक पहली चीज तो ये कि आप कॉल साइड का प्रीमियम देखो 120 तक गया था। ये रेंज बाउंड मार्केट है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से मार्केट आपको दिखा रहा है। 110 का प्रीमियम बढ़ता 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 119 तक गया था, ठीक है? मार्केट वहीं पे खड़ा है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ पे स्पॉट वहीं खड़ा है। और आपकी एंट्री थी 110 रुपए के आसपास, एसएल था आपका 101 का, ठीक है? तब भी आप लॉस में नहीं हो। क्या आप लॉस में हो? आप यहां पर भी सेल, जैसे सिग्नल मिलता है सेल और सेल, तब भी आपको 113 रुपए के आसपास मार्केट एग्जिट कर दे, करने के लिए बोल रहा है, मौका दे रहा है आपको 113 रुपए के आसपास निकलने के लिए। मान लो ना आपके भाई दो दो सेल सिग्नल मिल गए आपको कॉल साइड के ऊपर, तब भी आप क्या कहते हैं, आप एंट्री नहीं, एग्जिट नहीं कर पाए, ठीक है? तो आपको लॉस में नहीं निकलने देगा, कम से कम वो आपको एग्जिट करने के लिए चांस दे रहा है पूरा का पूरा कॉल साइड। आपको नहीं पता ना मार्केट क्या कहते हैं किस तरफ जाएगा, तो आपको दो दो मिले, 2 टाइम्स आपको मिला, क्या सिग्नल मिला जो आपका कॉल बाय दिखा रहा था, वो आपको कॉल सेल दिखा रहा है यहाँ पे, तो आपने 113 112 पे निकल गए, यानी कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, आपका लॉस नहीं हुआ, ठीक है जी? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि ये होता क्या है एक्चुअली में, जब मार्केट रेंज बाउंड होती है, जैसे कि यहाँ मार्केट रेंज बाउंड होती है, ठीक है, तो बार बार वाइब्रेशन होती है मार्केट में, ऐसे ऐसे, ठीक है? तो होता क्या है कि जब मार्केट रेंज बाउंड होती है, वाइब्रेशन होती है, उस केस में आपको कोई भी चीज काम नहीं कर सकती, ना प्रीमियम डी के काम करेगा, ठीक है, ना ही आपको पोजीशंस काम करेंगी, ना ही आपको पीसीआर काम करेगा, ना ही आपका कोई इंडिकेटर काम करेगा, कुछ नहीं काम करेगा, क्लियर? तो जब मार्केट रेंज बाउंड होती है तब आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, नो ट्रेड। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूं कि मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई चलो ठीक है, यहां पर आपको सेल सिग्नल मिला 100, मतलब यहां पे, क्योंकि ट्रेंड जो है वो कंफर्म है, कंफर्मेशन ट्रेंड है कि वो अपसाइड ट्रेंड है, ठीक है? तो आपका यहां पे ट्रेंड देखो वीक आते जा रहा है, आते जा रहा है, क्यों आते जा रहा है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा 2 बार स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है नीचे की तरफ से, इधर और इधर। आप स्टॉप लॉस हंटिंग पे भी निकल रहे हो तब भी आप कॉस्ट मतलब तब भी आप लॉस में नहीं निकलोगे, ना आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आप खुद चेक कर लो, 101 का स्टॉप लॉस सिस्टम ने बताया था, तो आप खुद चेक कर लो कि यहां पर 12:46, 12:45 तक क्या 101 हिट हुआ है? 101 हिट हुआ, हुआ हिट, चेक कर लेते हैं एट द मनी का निफ्टी 13700 CE, चेक करना। अगर आप होल्ड भी करते हो तो भी दिक्कत नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, बट ऐसी रेंज बाउंड मार्केट में आपका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है प्रीमियम के ऊपर। आप खुद देखो, प्रीमियम ऊपर भी गया, प्रीमियम नीचे भी आया, फिर प्रीमियम ऊपर गया, तो ये क्या है? ये वाइब्रेशन है, ठीक है? तो इसके अंदर आपको ट्रेड नहीं करना, ठीक है? और पता कैसे चलेगा कि वाइब्रेशन है, ठीक है? इसका भी सॉल्यूशन बता देता हूँ, कैसे पता लगेगा वाइब्रेशन है, इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। पहली चीज तो ये आप चेक कर लो कि 101 रुपए का यहां पर ये काम गया, ये
जो लो बना है आपका ये बना है। तो अगर आपने 101 रुपये के आसपास भी स्टॉप लॉस लगा के रखा है तो वो 101 रुपया आपका हिट नहीं हुआ, और आपने होल्ड भी किया तब भी आपका पूरा अपसाइड मूव कैप्चर हो गया। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है अगर आपका मार्केट रेंज बाउंड भी, मतलब अगर पूरा दिन ही रेंज बाउंड हो जाएगी तो वो हो सकता है प्रीमियम डीके की वजह से आपका रेंज बाउंड सिचुएशन में स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन आपका यहाँ पे अगर कंफर्मेशन में बता रहा है मार्केट स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग, तो भैया आपका ये देखो सुबह सुबह तो बताया सेल है ना, लेकिन आपका टाइम जब बीता तो इसने स्ट्रांग बताया कब, 10:34 से इसने स्ट्रांग बताना शुरू किया ट्रेंड को, और ये आपका 12:00 ये देखो बीच में स्टॉप, बीच में वाइब्रेशन आती रहेंगी, इसको कंट्रोल ना मैं कर सकता ना आप कर सकते, लेकिन फिर देखो इसने कितना अच्छा ट्रेंड बताया है 12:50 से, 12:50 से इसने एक इतना कंफर्म ट्रेंड बताया है। ट्रेंड देखो 12:50 से ट्रेंड देखो कंफर्म, इस वक्त 12:50 पे कितना था, 114 रुपये प्रीमियम एट द मनी का, कितना हो गया प्रीमियम 130 रुपये। ट्रेंड क्या बता रहा था, कंफर्मेशन दे रहा था ट्रेंड अपसाइड का। तो जो आपको ये अपसाइड ट्रेंड के कंफर्मेशन मिल रही थी कल, वो 12:54 से ही मिल रही थी, 12:54 से। टाइम चेक कर लेते हैं सिस्टम के ऊपर, ये देखो 12:54 कहाँ गया, ये वाला यहां से, जब मार्केट 13,700 के आसपास था तभी ये कंफर्मेशन वाले कॉलम ने आपको बता दिया कि बाय सिग्नल है, वहां पे कॉल साइड का बाय भी बता रहा है। ये देखो आप बाय, ये कॉल साइड बाय, कंफर्मेशन भी बाय। जो कंफर्मेशन रहेगा ना, अगर कंफर्मेशन सेल रहेगा तो पुट बाय करना है, कंफर्मेशन अगर आपका बाय रहेगा तो आपको कॉल साइड का बाय करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो ये बाय कब तक रहा, कंफर्मेशन में कब तक बाय रहा है चेक कर लो भाई, कंफर्मेशन में आपको यहां पे बता रहा है सेल करने को। ठीक है, कितने बजे, 2:38 के ऊपर। ठीक है, उस वक्त प्रीमियम क्या था चेक कर लेंगे अभी, 2:38 या 2:40 के ऊपर बता रहा है ना ये बाय कर सेल करने को, 2:38 कितना है, ये वाला एग्जैक्ट आपको नियर उसके आसपास। और यहां पर देखो सबसे बढ़िया बात क्या है, ये देखो ये ग्रीन मिला ना दोबारा, ये जो हाई है ये देखो, ट्रेंड कंफर्म है अपसाइड, ये देखो कॉल साइड में भी आपको हाई मिल गया 137 का हाई मिल गया। आपने एंट्री कितने मिली थी, 110 पे। एसएल हिट हुआ, नहीं हुआ। एसएल कितने पे था हमारा, 101 पे एंट्री ली थी, ये वाली हाई मिल गया आपको, हाई के आसपास निकल जाओ, हाई के आसपास निकल जाओ ना आप। मैं तो कहता हूं कि 137 की बजाय आप 133 130 पे भी निकलोगे तब भी आपको 20 रुपये का प्रीमियम तो मिल ही गया, 20 रुपीज का प्रीमियम मिल गया ना आपको। ठीक है, और उसके बाद ये प्रीमियम डिक्रीज ही हुआ है। ठीक है, तो 2:40 पे बताया है कि अब मार्केट का टॉप बन गया है, 2:40 के ऊपर ट्रेंड ने कंफर्मेशन दी कि 2:40 पर टॉप बन गया है। प्रीमियम ने कंफर्मेशन दे दी थी बुकिंग की, प्रॉफिट बुकिंग की आपको 2:15 के ऊपर। तो प्रीमियम चेक कर लेते हैं कॉल साइड का, 2:15 के ऊपर यहाँ पे, ये देखो मतलब आसपास जो टॉप, जो ये टॉप के आसपास ही आपको इसने बताया निकलने के लिए, 138 रुपये तक के लिए। 137 का हाई इसने कैप्चर किया है,
और ये 137 का ही हाई है। तो आपको ये लो और हाई जो है ना, ये आपको पहले ही बता देंगे, और ये लो और हाई शिफ्ट होते रहेंगे। अगर हाई पे हाई बने जा रहा है, प्रीमियम का हाई पे हाई बने जा रहा है, ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का जो शिफ्टिंग है और यहाँ पर जो है ये शिफ्ट होता रहेगा ऊपर की तरफ। लेकिन जब ये शिफ्ट होना बंद हो जाएगा तो समझ लेना आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, ठीक है। और आप खुद चेक कर लो, एक ट्रेंड और बनता है, एक लास्ट ट्रेड और बनता है, बताता हूं कैसे। देखो 2:15 के ऊपर जब इसका हाई बना तो इसका लो बना 72 रुपीज का, ठीक है। 72 रुपीज का लो बना, उसके बाद इसने हाई बनाना बंद कर दिया, कॉल साइड के प्रीमियम ने। खुद चेक कर लो कहां तक गया है प्रीमियम, क्लोजिंग तक प्रीमियम कहां तक गया है। 74 वाला प्रीमियम कहां तक गया है, 13,700 का पीई, ठीक है, निफ्टी का 72 पे। ये देखो 72 पे क्लोज हुआ है, मतलब आपको लॉस नहीं दिया इसमें, मार्केट तो बंद ही हो गई ना। तो 72 पे एंट्री मारी, 72 पे अभी भी खड़े हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा ट्रेंड कैप्चर हो सकता है। और अब आप बोलोगे कि भाई हम किस तरीके से पता लगाएं यार कि मार्केट अब रेंज बाउंड होने वाली है। दोस्तों सिंपल सी बात है, एक इंडिकेटर आप लगा लो, बॉलिंजर बैंड सबसे बढ़िया होता है रेंज बाउंड मार्केट को पता लगाने के लिए। उसको लगा लोगे तो ये देखो जैसे ही ये स्क्वीज होता है, जैसे ही दोनों की दोनों रेखाएं इसकी ऊपर अपर बैंड और लोअर बैंड जैसे ही स्क्वीज होना शुरू हो जाए, समझ लो कि भैया आपका ये मार्केट जो है अभी रेंज बाउंड है, अभी आपको ट्रेड नहीं लेना। और देखो इस सिस्टम के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हो तो शायद, और लो और हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लो एंड हाई इसको पकड़ के अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो बहुत सही रहेगा आपके लिए। आप हाई के आसपास एग्जिट कर सकते हो, ठीक है, और जब आपने एक हाई के आसपास एग्जिट कर लिया तो दूसरे ट्रेड के अंदर बैठ सकते हो उसके लो के आसपास। लो भी आपको पता ही होगा और उस लो का आप एसएल भी रख सकते हो। तो खुद ब खुद आपको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब पता लग रहा है, साथ में आपको कंफर्मेशन तो है ही कि मार्केट किस तरफ जाएगा, ठीक है। लास्ट में देखो मार्केट ने जब वीकनेस दिखाई 2:40 से इसने वीकनेस दिखाई है मार्केट ने, ठीक है, चेक कर लेते हैं 2:40 से वीकनेस दिखाई कि नहीं दिखाई। ये देखो 2:40 के बाद मार्केट ऊपर नहीं बढ़ा, मार्केट नीचे ही यहीं पे कंसोलिडेशन करता रहा। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इस स्क्रीन ऐसी जैसी अभी आपको दिख रही है स्क्रीन, ये ऐसी ही स्क्रीन दिखेगी आपको लाइव मार्केट के अंदर मंडे से, ठीक है। और ट्रेड जो भी रहेंगे मैं अब इसी बेसिस के ऊपर लेने वाला हूं, जो कंफर्मेशन दिख जो ट्रेंड कंफर्मेशन दिखाएगा वो ट्रेंड कंफर्मेशन के हिसाब से ही ट्रेंड, वो क्या कहते हैं, मुझे पुट बाय करना है या कॉल बाय करना है, वो मेरे को ये दोनों कॉलम बताते रहेंगे साइड वाले। अब देखो ट्रेंड वीक था तो पुट बाइंग के लिए बोल रहा है ये सिस्टम खुद ही, है ना। और किस एंड, अब देखो 113 ये बोला, 113 रुपये के ऊपर 117 का हाई बनाया इसने, मतलब लॉस में नहीं है, 119 का हाई बनाया तो लॉस में नहीं है, ठीक है, लॉस में नहीं जाने देगा ये आपको। कम से कम आपको ये स्टॉप लॉस भी दे रहा है, खुद से ही ट्रेंड बता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेंड बता रहा है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना बहुत जरूरी है, और ये ट्रेंड आपको कंफर्मेशन कॉलम के अंदर मिलेगा। हाँ आपको हाई या लो जब मिलेंगे तो आपको अपना ट्रेड एक बार को बुक कर लेना है, चाहे हमको दोबारा ट्रेड लेना पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम एक बार तो कम से कम अपने ट्रेड को क्लोज
जरूर कर देंगे, ठीक है? और दोस्तों, इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूं कि मैं फ्यूचर्स के ऊपर अब फोकस ज्यादा करने वाला हूँ, मैं फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग ज्यादा करने वाला हूँ, ठीक है? ऑप्शंस के अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन या डीके की वजह से, या मार्केट अगर मूव नहीं करती तो वहां पर ऑप्शन इंक्रीज उतना नहीं होता, ठीक है, बल्कि डीके हो जाता है अगर मार्केट मूवमेंट नहीं करती तो ऑप्शंस के अंदर, ठीक है? इस वजह से मार्केट की मूवमेंट हो गई तो ठीक है, आपको ऑप्शंस में पैसा मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, लेकिन अगर मार्केट की मूवमेंट नहीं हुई तो डीके की वजह से आपको लॉस हो सकता है। इस वजह से मैं मूव कर रहा हूं अब फ्यूचर्स के अंदर, इंट्राडे के फ्यूचर्स के अंदर एटलीस्ट 50,000 रुपीज का मार्जिन लगता है, मतलब रिक्वायरमेंट है 50,000 MIS या फिर इंट्राडे के अंदर। तो इस चीज को ख्याल रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया, मैं फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करने वाला हूं और फ्यूचर्स के अंदर मैं ट्रेड करना शुरू करने जा रहा हूं। ऑप्शंस के अंदर मैं अभी जब तक मार्केट एक हाई पर, अभी क्या हो रहा है, 100 से 150 पॉइंट के अंदर मार्केट घूम रहा है, ठीक है? मार्केट अभी 100 से 150 पॉइंट के अंदर घूम रहा है, लेकिन इसकी स्पीड जो है ना वो बहुत स्लो है, यहां से यहां तक स्पीड बहुत स्लो होती है। पर डे की स्पीड चेक करोगे तो ये इस तरीके से बहुत स्लो स्लो स्पीड है, बहुत स्लो स्लो स्पीड है। स्पीड स्लो रहेगी तो आपका डीके होने के चांसेस हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर फ्यूचर्स को तवज्जो देने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे जो ट्रेड्स रहेंगे वो फ्यूचर्स के अंदर रहेंगे मंडे से, और बाकी अगर आपको करना है तो आपको स्टॉप लॉस, आपको हाई के आसपास निकलना, और ये ऊपर भी आप चेक करते रहो कि लो, हाई और लो वो चेंज होता रहेगा, ठीक है? नहीं हो रहा है चेंज तो आप निकल जाओ, बाकी आपको एक बताता ही रहेगा सिस्टम खुद से कि आपको कब एग्जिट करनी है, कब आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस क्या लेना है, ट्रेंड कंफर्मेशन क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड के विपरीत मत बैठिएगा, ठीक है? आई होप आपको हेल्प मिलेगी मंडे से, और लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू मैं आपको लिंक दूंगा लाइव स्ट्रीमिंग का, और तब से आप उसमें लाइव स्ट्रीमिंग में जाके यूट्यूब ऐप के ऊपर आप चेक कर सकते हो। स्टार्टिंग के एक वीक के अंदर मैं सबके लिए ओपन रखने वाला हूँ ये लाइव स्ट्रीमिंग जो रहेगी, ठीक है? आई होप आई एम क्लियर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है? कमेंट सेक्शन सबके लिए खुला है, और किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फायदा उठाइए, ठीक है? धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।